जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत आप सभी का टेक हेडलाइंस के नए एपिसोड में। आज रियलमी वाले तो कमाल कर दिए, बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे चुपके चुपके रियलमी GT2 को लॉन्च कर दिए इंडिया में। 35,000 रुपए से ये शुरू होता है। इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, वीडियो भी जस्ट बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा। कमाल का फोन है यार, इसको खरीद लो क्योंकि भाई कैमराज भी इसके बहुत ही अच्छे हैं, 888 के साथ भी है और बहुत अच्छे प्रीमियम बॉडी के साथ भी आता है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत ही ज्यादा है, चिन भी बहुत ही कम है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है, इसको जाके खरीदो, मस्त आपको वैल्यू मिल रहा है इसके साथ। और अगर आप बैंक ऑफर भी लगा दोगे तो 30,000 रुपए का मिल जाएगा, तो भाई देख लो यार अगर आपको देखना है तो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको करोड़ों साल पहले कहा था कि पोको अपने स्मार्ट वॉच का ये जो नाम है ना पोको वॉच, इसको पेटेंट करवा लिया था, तो आज भैया लॉन्च डेट पता चल गया, 26 तारीख को पोको वॉच लॉन्च हो जाएगा। ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये रेडमी के कोई स्मार्ट वॉच को रीब्रांड करेगा, आप तो जानते हो यार पोको रेडमी भाई भाई। वैसे यार पोको पॉप बर्ड्स जेंसिन इंपैक्ट स्पेशल एडिशन, इसके HD रेंडर्स आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो ऑल लिक्स क्रिएट किए हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने को तो पता ही है ये रेडमी के कोई TWS का रीब्रांडेड वर्जन होगा, 26 तारीख को ही लॉन्च होगा, देखते हैं भाई क्या प्राइस रखते हैं। और भाई जब पोको F4 GT इंडिया में आएगा तो क्या ये सब भी लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। तो भैया जो एप्पल का 35 वॉट का एडेप्टर था ना टाइप सी पोर्ट वाला, डुअल टाइप सी पोर्ट वाला, तो उसका HD लाइव इमेजेस आ चुका है बाहर, देख लो आपको ऐसा दिखाई देगा एडेप्टर। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि आपको इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे, ये जो चीज है ये बॉक्स के अंदर होता था एक वक्त पे, लेकिन अब बॉक्स से निकाल दिया गया है, बस इसमें थोड़े से अपग्रेडमेंट्स कर दिए गए हैं, दो पोर्ट्स डाल दिए गए, एक साथ दो आईफोन्स को चार्ज कर लोगे। ये बहुत ही जल्द एप्पल इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो खरीद लेना, अच्छा चीज है भाई, आईफोन को चार्ज करना होगा तो उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। हुआवे भी बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम है, आज हुआवे अपने अपकमिंग स्क्रोलेबल या फिर फोल्डेबल, सब लोग तो कह रहे भैया स्क्रोलेबल है, मतलब कि जो एक्सटेंड हो जाएगा डिस्प्ले जैसा कि ओप्पो का था, उस टाइप का ये फोन है, ये 28 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। हुआवे मेट XS2 इसका नाम है और ये बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव स्मार्टफोन होगा, सब लोग ऐसा कह रहे हैं। 28 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। वैसे यार पोको F4 NBTC सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, ये बहुत ही जल्द आपको मई के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं वीडियो बनाया हूँ, अनबॉक्सिंग भी दिखा दिया हूँ आपको, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना, सब पता चल जाएगा। तो भैया सैमसंग बाबू ने भी अपने सैमसंग गैलेक्सी M53 5G को लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग में आपको बताया था ना मैं 25,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, तो उसी प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, लेकिन कल इतने रूमर्स उड़े थे कि 20,000 रुपए के आसपास आएगा भाई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं जो प्राइसेस बताया था एग्जैक्टली उसी प्राइस पे लॉन्च हुआ, 6128 का प्राइस है, 26,500 रुपए, 8128 28,500 रुपए। देखो यार फोन अच्छा है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ये फोन अच्छा है। सैमसंग के जो फोन को खरीदने का सोच रहे हैं वो इनको जाके खरीद सकते हैं, जो भी दोनों में से रैम वेरिएंट्स उठाना चाहते हैं उठा लो। देखो मैं ऐसा इसलिए बोला ना, सैमसंग कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, सैमसंग के बहुत सारे लवर्स हैं, अंधाधुंध है। अब हम और तुम स्मार्ट लोग हैं ना यार, हम लोग जाके सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाले फोन को लेंगे, लेकिन सैमसंग की भी ब्रांड वैल्यू है। तो अभी सैमसंग का करंटली कोई अभी फोन नहीं है 25-26 हज़ार रुपए के आसपास जो इतने अच्छे स्पेक्स रहता है। वैसे इसका कोई कमी भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कैमरास भी हैं, प्रोसेसर भी अच्छा है और ऊपर से सैमसंग का फोन है। लेकिन मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, जो सैमसंग का फोन खरीदना चाहता है वो खरीद लेगा, लेकिन अगर आपका बजट है 25-26 हज़ार रुपए तो भैया जाके पोको F4 GT खरीदो, नहीं तो थोड़ा सा पैसा और लगा के iQOO 9 SE ले लो, नहीं तो थोड़ा सा पैसा कम करके Realme 9 Pro Plus ले लो, ये बहुत अच्छे अच्छे फोन से इनके तरफ जाओ जो आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू देते हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो। जो सैमसंग लवर्स हैं वही इसके तरफ जाएं। Xiaomi वाले भी बोले जब Realme वाले अपने स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर रहे हैं तो हम भी लॉन्च करते हैं ना, Xiaomi स्मार्ट टीवी 5A ये लॉन्च हो जाएगा 27 तारीख को Xiaomi 12 Pro के साथ, ठीक है। पोको F4 GT आज TRDA सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आएगा, वैसे तो 26 तारीख को लॉन्च हो रहा है इंडिया में, आपको मई एंड तक नहीं तो जून के स्टार्टिंग में चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि मई एंड तक आ जाएगा, सब लोग यही कह रहे हैं। वैसे पोको के प्लान्स हैं कि वो मई में अपने दो फोन्स को लॉन्च करेगा, एक बजट कैटेगरी का होगा जो प्रॉपरली पोको C40 होगा और एक बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। अब देखते हैं भाई वो कौन है, पोको F4 है कि F4 GT है। मोटो G5G आज लॉन्च हो चुका है US में, इसका प्राइस है 30,500 रुपए, एकदम फालतू फोन है, पता नहीं क्या सोच के बिना सोचे समझे प्राइसिंग रख देता है मोटोला, अमेरिका है भैया डॉलर है, इसी चक्कर में हाईफाई प्राइस रख दो, कोई सेंस बनता है 30,000 रुपए में? लोग तो खरीदने के लिए परेशान हो जाएंगे मोटोला को अमेरिका में। वैसे बात भी बिल्कुल सही है, मोटोला अमेरिका में सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड है, मतलब कि वहां पर ज्यादातर लोग मोटोला के फोन को भी परचेज करते हैं, एप्पल के बाद है वो, और
सैमसंग को भी पार कर दिया। वो रियलमी वॉच 3 के बारे में आपको बताया था मैं कि ये स्मार्ट वॉच बहुत ही जल्द मई एंड तक आ जाएगा, नहीं तो जून में लॉन्च होगा। इसका आज मॉनिटर कंफर्म हो गया है, प्लस आज ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर भी कर चुका है। दैट मींस ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा हमारे उम्मीद से भी पहले। कुछ पता चलता है इसके बारे में तो बताता हूँ। और भाई जो लोग स्मार्ट वॉच को खरीदने का सोच रहे हो, रुक जाओ, अच्छा स्मार्ट वॉच होगा, इसको खरीदना, ठीक है। OnePlus Nord 2T इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन का इंक्लूजन प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। दैट मींस क्लियर है कि ये मई में डेब्यू करेगा इंडिया में। वैसे इस फोन के ऊपर वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देखना, सब पता चल जाएगा। बड़ी मस्त फोन है ये, आपको 35,000 रुपए के आसपास तक ये दिखाई देगा। और इसके कैमरास ना यार बहुत ही लाजवाब है। एक स्टोर में बहुत सारे Xiaomi 12 Ultra के केसेस रखे हुए हैं, कवर देख लो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि Xiaomi 12 Ultra का कैमरा हाउसिंग कैसा होगा। वैसे मैं आपको करोड़ों साल पहले बहुत सारे रेंडर्स, बहुत सारे बैक कवर्स और पोस्टर्स दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लो, नया कुछ आया था तो आपको दिखा दिया। Google Pixel 7 Pro का एक एक्चुअल पोस्टर बाहर आ चुका है। देखो यार ये कवर का पोस्टर था, लेकिन यहाँ पर अपने को फोन भी दिखाई दे रहा है। इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई फोन ऐसे ही दिखाई देगा। वैसे तो ऑन लीक्स तो HD रेंडर्स क्रिएट कर ही दिए हैं, वो तो पता ही है कैसा लॉन्च होगा, हम लोगों को कैसा दिखाई देगा। ऑन लीक्स तो ऑन लीक्स है भाई, उनके जो रेंडर्स होते हैं 99.99% एक्यूरेट रहते हैं ओरिजिनल रेंडर से। अगला अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बड़ा यूट्यूबर अपने टेक न्यूज में आज कवर नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। आज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन सर आज एक नए टीम को क्रिएट किए हैं। किस लिए क्रिएट किए बताता हूँ। जो EVs हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, आजकल बहुत ज्यादा घटनाएं आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ब्लास्ट हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे गंभीर चोटें लग रही हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसी वजह से नितिन सर एक नए टीम को क्रिएट किया है जो इन सारे चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ब्रांड का इसमें हाथ है क्या, ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो बैचेस खराब है उनको बुलाना चाहिए, उनको कुछ भी अगर घटना आ रहा है तो प्रॉपर चेक करना चाहिए, उस सीरीज के जितने भी बाकी EVs हैं इनको भी चेक करना चाहिए। अगर ब्रांड का इसमें हाथ निकला इन्वेस्टिगेशन में, अगर ये सब पता चल गया कि ब्रांड का लापरवाही है, ब्रांड्स ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन सारे ब्रांड्स को बहुत ही बड़ा पेनल्टी भी लगेगा। और भी बहुत सारी वो चीज़ें कहे हैं कि अगर ब्रांड्स को पता लग गया है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बार बार ब्लास्ट हो रहे हैं एक प्रॉपर मॉडल वाला, तो उन सारे मॉडल के बाकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी बुला लेना चाहिए वापस से, ताकि उनका टेस्ट हो सके वापस से, ताकि कम दुर्घटनाएं हो। और भी बहुत सारी चीज़ें वो कहे हैं, लेकिन ये जो मेन मेन चीज़ें थे मैं आपको बता दिया। और ये बहुत ही अच्छी बात है यार, हर दिन कुछ ना कुछ नए नए केसेस आ रहे हैं, कहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ब्लास्ट हो गए, तो कहीं किसी का स्कूटर चार्ज होते हुए फट गया, बहुत ही सुनने में डर लगता है यार, और कई लोगों की जाने भी जाती हैं, कितना तकलीफ होता है यार, ये अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो नितिन सर बहुत अच्छा काम किए। याद है दोस्तों मैं आपको बताया था WhatsApp बीटा टेस्टिंग में एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, जहां पर आप 32 लोगों से एक साथ वॉइस कॉल पे बात कर सकोगे। ये जो फीचर है अब स्टेबल वर्जन पे रोल आउट होना चालू हो गया है। जाओ WhatsApp को अपडेट करो, आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन ये फीचर स्पेसिफिक था तो मैं आपको बता दिया। थोड़े स्टाइल भी चेंज किया है अपने लोगो वगैरह का, अंदर में आपको चेंजेस दिख जाएंगे, जाओ अपडेट कर लो। कभी दोस्तों आप ये चीज सोचे हो, जो आपका 1 GB इंटरनेट है, भले ही आप 2-3 GB का इंटरनेट पैक डलवाते होगे, लेकिन मैं 1 GB की बात कर रहा हूँ, जो 1 GB इंटरनेट डेटा पैक है वो क्या क्या कर सकता है। 2.1 आवर्स आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करवा सकता है, मतलब कि 2 घंटे से थोड़े ऊपर। 68 आवर्स का आपको गेमिंग करवा सकता है 70 घंटे के आसपास, और 95 घंटे 95 आवर्स तक आपको म्यूजिक सुनवा सकता है। बाकी आप काउंट कर लेना, अगर आपका पर डे 2 GB आता है मेरे तरह या फिर 3 GB आता है तो बताना। अगला अपडेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप तो जानते हो इलॉन सर ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर दिए हैं, लेकिन अब दोस्तों इलॉन सर अपने उस ऑफर को और बढ़ाने का सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, ट्विटर को और ज्यादा लालच दे रहे हैं कि वो खरीद लें उसको। भाई साहब इलॉन सर के पास पैसे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं कि इलॉन सर इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ट्विटर में, वो क्यों खरीदना चाहते हैं ट्विटर को। अगर रिटेल में जाना चाहते हो तो आई बटन पे दे दूंगा, रिकमेंड करता हूं, कुछ अलग ट्राई किया हूं, जाके देख के बताना कैसा लगा। वैसे यारों कल OnePlus Ace के साथ OnePlus अपने कूलिंग बैक क्लिप को भी लॉन्च कर दिया था, पहला वाला इसका शायद ये लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है 2,350 रुपए। अब ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। वैसे OnePlus Ace के ऊपर कल वीडियो बना दिया था मैं, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देख लेना। अगला अपडेट आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा सकता है, तोड़ सकता है। कल के टेक न्यूज़ में आपको बताया था ना मैं, मई के 11 तारीख से गूगल प्ले स्टोर से सारे रिकॉर्डिंग एप्स और कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को और वॉइस रिकॉर्डिंग एप्स को हटा देगा, ठीक है ना। लेकिन आज ट्रू कॉलर की तरफ से अपडेट आया है, ट्रू कॉलर के अंदर में भी ये सारे फैसिलिटीज थे, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते थे, कॉल रिकॉर्ड कर सकते थे, ये सारे फीचर्स को आज ट्रू कॉलर हटा दिया है, क्लीन कर लिया अपने आप को, नहीं तो वो प्ले स्टोर से हट जाता।
हाँ, बहुत ही तकलीफ वाली बात है। अगला अपडेट एकदम एक्सक्लूसिव है, OnePlus 10R 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G और OnePlus Nord Buds, इन सारे प्रोडक्ट्स के इंडियन प्राइसेस बाहर आ गए हैं। मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो। अब देखो यार, ये ऑफिशियल प्राइसेस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं भाई आगे चल के क्या हम लोगों को प्राइसेस दिखाई देते हैं। 28 तारीख तो ज़्यादा दूर है नहीं। वैसे आप बताना, अगर ये प्राइसेस होंगे तो आपको कैसा लगेगा, और आपको क्या लगता है कौन से प्राइसेस पे ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, बताना मुझे कमेंट करके। Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus, ये दोनों स्मार्टफोन्स आज 10R सर्टिफिकेशंस पे लिस्ट हो चुके हैं। मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ सारे स्पेसिफिकेशंस जितने बाहर आए हैं, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। वैसे तो मई के 17 तारीख का डेट आया है, अब देखते हैं। वैसे तो मई में ये लॉन्च हो जाएंगे ये सारे स्मार्टफोन्स, Redmi Note 12 भी होगा चाइना में, बताता हूँ आपको। Vivo S15 Pro आज 10R सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, क्या फील नहीं आया अंदर से? Vivo V25 Pro, अब ठीक है स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। Dimensity 8100 का प्रोसेसर होगा, 50:8:2 ट्रिपल कैमरा सेटअप, 6.62 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले, Android 12, 4400 mAh बैटरी। फिलहाल तो अभी इतने इंफॉर्मेशन बाहर आए हैं, कुछ अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे मई में ये सारे फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल लोगों को खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.